आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जहां 1 अगस्त को बादल फटने की घटना हुई थी, जहां बीती रात बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे रिलेशन के काफी सदस्य मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और खत्म। जो एस्टिमेट है वो कहते हैं जो गिनती में आए हैं 38-40 के करीब है लोग। अभी वैसे मिला तो कोई नहीं है, अभी 1-2 शव मिले हैं, पता नहीं उनका भी पता नहीं लग रहा है। अभी सर ऐसा है जो आज त्रासदी में जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान रखें आप हर चीज़ के बारे में, तो अनदेखी हो रही है, तो बाकी आपके सामने है जो हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर बादल फटने और छोटे पैमाने पर भूस्खलन के बाद शिमला और मंडी जिले काफ़ी प्रभावित हुए हैं। राज्य मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई है और 49 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में समेज खट में भयंकर बादल फटा, जिससे काफ़ी व्यवधान हुआ। NDRF और जिला प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान चला रहे हैं। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF ने राहत और बचाव कार्यों को रामपुर के कई इलाकों में शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 38 से 40 लोग अभी तक लापता हैं और प्रशासन भी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में पूरी जी जान से लगा हुआ है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया है और 49 लोग अभी तक लापता हैं। NDRF की तरफ से आधिकारिक रूप से यह कहा गया है कि 20-25 घर पूरी तरह से तबाह होकर पानी में बह गए हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे, और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे, तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40-42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है जी। हाँ, यहाँ पर NDRF की टीम, 2 NDRF की टीम है जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में, और CISF, ITBP और सिविल पुलिस, और साथ में SDRF और अदर वॉलेंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अनुमानित है हमारे जो NDRF के रिस्क्यूअर्स हैं उस वाले पैच में, उस वहाँ पर एक मकान्स वगैरह हैं जहाँ पर मतलब कि अनुमानित है वहाँ पर कुछ स्ट्रक हो सकते हैं विक्टिम बॉडीज़ वगैरह, वहाँ रिकवर होने के चांसेस हैं, तो इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर अप्रोच बनाई जा रही है। दूसरा सर्चिंग, यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है और लोअर साइड में भी वहाँ पर भी सर्चिंग कंटिन्यूसली, इवन अदर टीमें भी आगे भी लगी हुई हैं NDRF की, और अदर SDRF अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई।